नमस्कार दोस्तों, मैं संजय चौधरी बुबई और टेक चाला यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं पिक्सेल लैब के ऊपर एक ट्यूटोरियल आया हूँ हिंदी में। पिक्सेल लैब के बारे में आप लोगों को तो पता ही है, पिक्सेल लैब एक ऐसा एंड्रॉयड ऐप है जिसमें आप बढ़िया से बढ़िया थंबनेल या फिर किसी भी इमेज को लेकर आप उसमें काम कर सकते हैं। जो लोग यूट्यूबर हैं, जो लोग मोबाइल से यूट्यूब का वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और मोबाइल से एडिट करते हैं और चाहते हैं कि मोबाइल से भी उसका जो थंबनेल है वो मोबाइल से एडिट करें, तो उन लोगों के लिए पिक्सेल लैब एक ऐसा ऐप है जिसके लिए वो एक वरदान माना जाता है। ताकि पिक्सेल लैब में आप मोबाइल के यूट्यूब के वीडियो का जो थंबनेल होता है उसको आप बढ़िया से बढ़िया बहुत ही अच्छे क्वालिटी का थंबनेल आप पिक्सेल लैब में बना सकते हैं। और पिक्सेल लैब का जो सबसे ख़ास बात है वो है पिक्सेल लैब में जो टेक्स्ट यूट्यूब का जो थंबनेल होता है ना, उसमें टेक्स्ट लिखा जाता है, तो जितना अच्छा क्वालिटी का फॉन्ट आपके पास होगा तो उतना ही अच्छा अच्छा थंबनेल आप उसमें क्रिएट कर सकते हैं। तो पिक्सेल लैब में बहुत सारा फॉन्ट आप इंस्टॉल कर सकते हैं, बहुत सारा फॉन्ट को सपोर्ट करता है पिक्सेल लैब। तो आज हम दिखाएंगे कैसे पिक्सेल लैब में फॉन्ट को इंस्टॉल किया जाता है और को यूज़ करके आप कैसे अच्छे से अच्छा थंबनेल बना सकते हैं हिंदी में। तो मैंने हिंदी फॉन्ट का एक डाउनलोड लिंक, जिप फाइल का डाउनलोड लिंक मैंने अपना डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। आप लोग अगर चाहे, हिंदी फॉन्ट आपके मोबाइल में नहीं है तो आप प्लीज़ जाके वो फाइल को डाउनलोड कर लीजिए और अपना मोबाइल में एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। आज हम दिखाएंगे कैसे हिंदी फॉन्ट को पिक्सेल लैब में ऐड किया जाता है और उससे कैसे एडिट किया जाता है किसी भी इमेज को। तो चलिए बढ़ते हैं मेरा मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं आज का ट्यूटोरियल। तो दोस्तों, हम आ गए हैं अपना मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर और मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर आप दोनों लोगों देख सकते हैं, एक पिक्सेल लैब का लोगो है और फाइल मैनेजर का लोगो है। फाइल मैनेजर क्यों चाहिए उसके लिए वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जिस फोल्डर में आपने जो हिंदी वाला जो फॉन्ट है, हिंदी का जो फॉन्ट है वो आप किस फोल्डर में रखे हैं उसको एक बार चेक करना होगा, क्योंकि उसका पाथ पिक्सेल लैब के अंदर जाकर हमको देना है। तो पहले चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं कि हिंदी का फॉन्ट कौन सा वाला फोल्डर पर रखा है। तो मैं फाइल में जाते हैं, फाइल में जाने के बाद यहाँ पर फोल्डर वाला ऑप्शन में क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये देखिए हिंदी फॉन्ट, ये वाला फॉन्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला फॉन्ट आपको दिखाई दे रहा है, इसमें क्लिक करेंगे तो ये इतना सारा हिंदी फॉन्ट मेरे मोबाइल के अंदर है। तो इसी को हमको क्या करना है, उधर पिक्सेल लैब में जाके ऐड करना है। वो कैसे करना है, बहुत ही ईजी है दोस्तों। मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, बाहर आ जाऊँगा और आप जाके पिक्सेल लैब को खोल लूँगा। पिक्सेल लैब को इधर से खोल लिया और यहाँ पर देखिए ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट वो एक टेम्पलेट ले लेता है, जिसमें जाके आपको न्यू टेक्स्ट, एक टेक्स्ट लेयर, एक बैकग्राउंड का लेयर देता है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, न्यू टेक्स्ट में क्लिक करेंगे। न्यू टेक्स्ट में डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर न्यू टेक्स्ट लिखा जाएगा, हम लोग इसको न्यू टेक्स्ट को डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हिंदी में कुछ टाइप करेंगे। और हिंदी में टाइप करने के लिए दोस्तों आप लोगों के पास देश कीबोर्ड होना चाहिए। देश कीबोर्ड कैसे, यहाँ पर स्पेस बार को जोर से दबा के रखेंगे। यहाँ पर देखिए तीनों जो कीबोर्ड का लेआउट है वो आ गया है, देश बांग्ला कीबोर्ड, देश हिंदी कीबोर्ड, देश ओडिया कीबोर्ड, ऐसा बहुत सारा इंडियन रीजनल लैंग्वेज में देश का कीबोर्ड है दोस्तों। आप लोग वो डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं हिंदी वाला सिलेक्ट कर लूँगा, अभी हिंदी को सिलेक्ट कर लिया और इसको ओके कर देंगे तो ये हिंदी वाला फॉन्ट मेरा इधर आ गया। अब मैं इधर कुछ टाइप करूँगा, इसको क्या टाइप करूँगा दोस्तों, मेरा भारत महान, MHAN महान। तो ये मैंने इसको टाइप कर दिया, आप इसको ओके कर देंगे तो ये देखिए मेरा भारत महान आ गया। अब इसका फॉन्ट चेंज करना है दोस्तों, ये बहुत ही एकदम सीधा साधा प्लेन फॉन्ट है, इस फॉन्ट में हमको काम नहीं करना है, हमको काम करना है एक अच्छा वाला फॉन्ट लेके। तो पिक्सेल लैब में कैसे हम अच्छा वाला फॉन्ट को इंस्टॉल करेंगे, तो देखिए ये इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर नीचे देखिए, एकदम नीचे वाला जो लेयर है, इस लेयर में ए लिखा हुआ है, इस ए को हम क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन आ जाता है दोस्तों, यहाँ पर हम जाएंगे, यहाँ पर फॉन्ट को ढूंढेंगे। यहाँ पर देखिए ये वाला फॉन्ट इधर इधर है, तो इस फॉन्ट में हम क्लिक कर देंगे। इस फॉन्ट में क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर देखिए ऊपर में जो मेरा टेक्स्ट है वो दिखा रहा है, सिलेक्ट हुआ है, बाएं तरफ फॉन्ट, माय फॉन्ट और रिसेंट। तो हम लोग क्या करेंगे, माय फॉन्ट में चले जाएंगे, मिडिल वाला जो टैब है उस टैब में जाएंगे। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट मेरा कुछ फॉन्ट है और यहाँ पर देखिए दाएं तरफ, यहाँ पर ये वाला सेक्शन में,
ये वाला सेक्शन में आपको दो ऑप्शन दिखाई देगा, एक टेक्स्ट ऐड करने का और एक फोल्डर ऐड करने का। टॉप मोस्ट राइट में जो है, मतलब दाएं तरफ जो है, वो फोल्डर को ऐड करने का परमिशन देता है, तो हम उसी में क्लिक करेंगे क्योंकि हमको फोल्डर समेत इसमें इंस्टॉल करना है। तो इस वाला ऑप्शन को क्लिक करेंगे और हम ढूंढेंगे हमारा जो हिंदी वाला फोल्डर वो कहाँ है। ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली आपका फाइल मैनेजर में घुस जाएगा और यहाँ पर हम सर्च करेंगे मेरा हिंदी वाला फोल्डर कहाँ है। ये वाला दोस्तों आप देख रहे हैं इधर हिंदी फॉन्ट वाला जो ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन हिंदी फॉन्ट हमको मिल गया है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको जस्ट क्लिक कर देंगे हिंदी फॉन्ट के फोल्डर के ऊपर। तो क्लिक कर देंगे, क्लिक कर देने के बाद ये पर ये इसके अंदर घुस जाएगा। अब यहाँ पर नीचे देखिए ऐड डायरेक्टरी करके एक ऑप्शन है यहाँ पर, तो इस ऐड डायरेक्टरी में जैसे ही हम क्लिक कर देंगे सब फॉन्ट उधर पिक्सेल लैब के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। तो ऐड डायरेक्टरी में हम क्लिक करते हैं और ये देखिए स्टोरेज यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि स्टोरेज मेलोटेड 0 हिंदी फॉन्ट, मतलब ये जो पूरा फोल्डर है ये पूरा फोल्डर इधर आ गया। अब हम इसको चेंज करेंगे, ये वाला जो फॉन्ट है मेरा भारत महान, इसको हम चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए इधर चेंज करेंगे तो आप यहाँ पर नज़र रखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि फॉन्ट चेंज हो रहा है। ये देखिए जिसको हम सिलेक्ट करेंगे उसी का फॉन्ट इसमें आ जाएगा। तो हम एक बोल्ड वाला फॉन्ट लेते हैं जिससे आपको पता चल सके। ये इसको क्लिक कर दिया, ये देखिए फॉन्ट चेंज हो गया, इसमें हम ओके कर देंगे और ये देखिए कितना अच्छा ये फॉन्ट आ गया है दोस्तों, मेरा भारत महान। अगर फिर से आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद माय फॉन्ट में जाएंगे, माय फॉन्ट में जाने के बाद यहाँ पर यात्रा वन रेगुलर ये भी क्लिक कर सकते हैं, स्मोक कर देंगे तो ये देखिए बहुत अच्छा फॉन्ट इधर आ गया है, बहुत ही बोल्ड फॉन्ट है। और बाकी तो आप जानते ही हैं कैसे इसमें कलर चेंज किया जाता है और इसको कैसे मॉडिफाई किया जाता है, कैसे इसमें अच्छा सा एक थंबनेल बनाया जाता है पिक्सेल लैब में। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए एक मोबाइल से ट्यूटोरियल बना दूं कि कैसे मोबाइल के पिक्सेल लैब को यूज़ करके अच्छे से अच्छा यूट्यूब के लिए थंबनेल बनाया जाता है, तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए, तो मैं जल्दी इसके ऊपर एक ट्यूटोरियल लाऊंगा। तो दोस्तों अभी तक जिन लोगों ने मेरे इस चैनल में सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि इस तरह का टेक्निकल वीडियो आप लोगों के पास बहुत जल्द पहुँचे इसका नोटिफिकेशन। और दोस्त लोगों में ये वीडियो शेयर कर देना। और आज के लिए इतना ही, मुलाकात होगा दूसरे एक ट्यूटोरियल में दूसरे एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।